हेलो एवरीवन, यू वाचिंग एसजी टीवी। आई एम योर होस्ट इंद्रनील बासु। आज हमारे साथ है दिल्ली के बहुत 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 बड़ा प्लेयर, यू नो, समवन हु इज रियली मेड दिल्ली प्राउड, मिस्टर बंटू सिंह सर। वेलकम टू एसजी टीवी। हमने थोड़ा डेट में गलती कर दिया, शायद घर में बैठ के थोड़ा पता नहीं लगता कौन सा थर्सडे है कौन सा फ्राइडे है। और अभी पैंडेमिक के हिसाब से तो सभी कुछ भूल रहे हैं सब लोग, बिकॉज अभी आदत पड़ गया बिल्कुल आराम करने का। एब्सोल्युटली, तो ये थोड़ा दिक्कत वाली बात हो गई, यू नो, लिटिल एडजस्टमेंट्स वी हैव टू कीप डूइंग, बट सैटरडे संडे कौन सा है एक्चुअली पता नहीं लगता। बिल्कुल, यू आर राइट सर। बट बंटू सर, जब आपके बारे में सोचता हूं, बचपन में जब we used to read newspapers, we started off knowing about domestic cricket, these are the few names, you know, Bantu Singh, Bhaskar Pillai, these are the legends who really made Delhi proud, as I talked about it at right at the start of the show. Ki bada maza aata tha, you know, and bat pakdo to saw, and against big teams, aur aapka jo track record hai scoring in big finals, ye ek alag hai sir, out of the box hai. उसके लिए देखिए सर, एक मैं इनर इंस्टिंक्ट जिसको बोलते हैं ना, जब भी जितना बड़ा मैच होता था तो मेरा अंदर से इंस्टिंक्ट और स्ट्रांग हो जाता कि यस आई हैव टू परफॉर्म, और यही टाइम है मुझे अपने आप को प्रेजेंट करने का और शो करने का, दैट इज व्हाट आया है। तो वो थोड़ा सा अंदर से जो एक विल पावर था ना, दैट आई हैव बीन वेरी स्ट्रांग विल पावर, उसमें मुझे बड़ी टीम्स के अगेंस्ट यूजली स्कोर करने का मौका भी मिला और मैंने किया भी, तो वो अच्छा लगा। मेरे को याद है 88-89 का फाइनल अगेंस्ट बंगाल, 200 रन के नीचे बंगाल वर ऑल आउट एंड देन दिल्ली वेंट ऑन टू स्कोर ओवर 700 रन्स। उसमें आपका 100 था, भास्कर पिल्लई सर का, कीर्ति आजाद सर का, व्हाट अ मैच वाज, यू स्कोर्ड 179 इन दैट गेम। 179 एंड सबसे बड़ा चीज है, जब मैं बैटिंग करने गया तो सागर सेन शर्मा, ही इज अ लेफ्ट आर्म बंगाल बॉलर एंड ही इज इन ऑन द वर्ज ऑफ हैट्रिक, एंड द बॉल आई फेस्ड, आई रियली थैंक गॉड ऑलवेज कि जो मैंने बॉल फेस किया, रमन लांबा इज ऑन द अदर साइड एंड ही टोल्ड मी दैट कोई बात नहीं, जरा सागर आगे खेलियो, ही टोल्ड मी जस्ट टू आगे खेल, एंड क्या हुआ कि सागर सेन शर्मा ने बॉल किया वो, एंड इट इज अ परफेक्ट यॉर्कर, एंड मेरा जो पैर पे पड़ा, जो लेफ्ट फुट के पैर पे पड़ा और मेरा पैर जमीन से निकल गया, एंड आई एम ऑन फ्लैट ऑन द विकेट। अगर आप उसका कभी रिकॉर्ड चेक करेंगे ऑन दैट डे, जो थर्ड बॉल था, तो दैट इज माय लक कि मैं उस हैट्रिक से बच गया, नहीं तो कुड हैव बीन अ बोल्ड क्लीन बोल्ड। दैट वाज अ ग्रेट डिलीवरी बाय सागर सेन शर्मा, दैट वाज अ, बट ऑल्सो माय लक इज विद मी, वो मैं सरवाइव कर गया वो बॉल, देन रेस्ट इज द हिस्ट्री। मायसेल्फ एंड भास्कर, वी स्कोर्ड अ रिकॉर्ड पार्टनरशिप फॉर दिल्ली, ही स्कोर्ड 199 एंड आई स्कोर्ड 179। यस, वो दिन भी क्या बड़ा जबरदस्त मैच था, बट एक एडवांटेज था दिल्ली के लिए प्लेइंग द फाइनल एट कोटला। यस डेफिनेटली, इट्स नॉट इजी स्कोरिंग इन बिग मैचेस, नॉट इजी। अब जैसे अभी आपने एक बड़ा अच्छा, वासु जी आपने बोला कि रणजी ट्रॉफी में लेजेंड्स, और जो अभी मैं जैसे सागर सेन शर्मा की ही बात आपको करना चाहूंगा, व्हाट अ बॉलर ही इज, जो उसका लेफ्ट आर्म, जो उसका स्विंग और जो था, आज अगर आप किसी भी ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को देख लीजिए जो अभी आपके करंट बॉलर्स हैं हमारे, ही इज द एट द सेम पेस, ऑलमोस्ट एट द सेम पेस और सेम स्विंग एंड वेरी वेरी क्विक इन द ईयर, वो लेकिन बट वो आई डोंट थिंक सो वो नहीं खेल पाए इंडिया के लिए, तो ये सारा चीजें दैट इज ऑल डिपेंड ऑन लक और व्हाट यू कैन से कि नहीं मिला उनको चांस। ऐसे ही बहुत प्लेयर्स जो बड़े बड़े प्लेयर्स थे रणजी में, बहुत डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्मेंस किया बट दे कुडंट गेट द चांस, तो ही इज वन ऑफ देम रियली। इतना साल बाद बोल रहे हैं, आई होप ही हियर्स दैट, बट शागुनमय सेन शर्मा was what was special about him, in itne bade kad ke nahi the, he was a short man, but short he man. Generated so much of pace, as you said, you know, quick through the air, quick arm action, acha swing karate the,
and he used to bring the ball so often into the right hander. But a deadly opener. Yes. Especially in a crease mein ho, so you know your head can fall apart. You can head can fall on the off stump. So wo uska bahut fayda uthate the. बिल्कुल बिल्कुल तो वो उस टाइम का जो टीम्स था ना इवन वी रिकॉग्नाइज्ड बंगाल बॉम्बे कर्नाटक तमिलनाडु ये बड़ा स्ट्रॉन्ग टीम्स होता था और इसमें प्लेयर्स जो इन टीम्स में खेले थे स्पेशली दिल्ली बॉम्बे हमारा जो टसल बहुत जबरदस्त था दिल्ली बॉम्बे का ऑलमोस्ट दिल्ली बॉम्बे में एक टाइम पे तो ये था मैं आपको बोलूँ कि ओनली मन्नू नैयर एंड मायसेल्फ हम दो और इवन भासी भासर The three players we could not represent India, but all the other eight players are Indian players. So, ऐसा टीम में हमने अपना खेल खेला और बड़े प्लेयर्स ने सीनियर प्लेयर्स ने हेल्प भी बहुत किया हमारे को मदी बाजी ने बहुत हेल्प किया इवन मैं यहाँ पर जिमी अमरनाथ का नाम लेना चाहूंगा हाँ जब भी मैं नया टीम में आया था तो रेलवे के अगेंस्ट सेमीफाइनल्स था और दैट इज एट करनाल सिंह स्टेडियम एंड अभी मैच स्टार्ट नहीं हुआ था और रेनिंग रेन बहुत तेज बारिश हो रहा था तो वो करते रहे लंच तक भी कोई चांस नहीं था फिर उसके बाद ऑलमोस्ट टी तक भी मैच चला गया स्टार्ट नहीं हुआ देन मैं कभी बात भूल नहीं सकता कि तब जिमी अमरनाथ ने आई वॉज नॉट प्लेइंग ऑन दैट मैच आई एम 12th मैन ऑन दैट मैच बट सडनली जिमी अमरनाथ रूम में ड्रेसिंग रूम में उठे और उन्होंने बोला मदी पागो मदी लेट दिस बॉय टू प्ले बिकॉज मैं दो साल से डेढ़ साल से देख रहा हूँ टीम में इसको चांस नहीं मिलता आई विल लीव दिस मैच मुझे कहीं अर्जेंटली कहीं जाना है मतलब वॉट एवर उनका क्या उस टाइम थॉट्स था वो कहीं उन्होंने जाना चाहते थे बट ही गेव मी चांस भाई ये मैच इसको खेल लें हालांकि मदी पा ने काफी बोला कि नहीं नहीं वी नीड यू और ये वो बट स्टिल वो कहता है कि खेल ले दो समा वो मैच हमारा Or Delhi mein as we keep talking about this in our on our show SGTV mein ki playing for Delhi Tamil Nadu Karnataka Mumbai these are the teams which are like you know I mean almost same you know playing for India koi difference hame nahi dikhta kind of players you've seen over the years so many years aap to 80s mein 90s mein khele hain the quality of players we had all of them were suited to play for India, but कुछ लोग नहीं बने बाद but that area that around that time I remember playing that final 91-92 against Tamil Nadu. उसमें भी आपका 100 है second innings में. तो बड़ा match में 100 final. वो अलग level होता है sir. अलग level. मुझे भी I am also surprised that when I checked the records or this one एक लिस्ट डीडीसीए में लगाया हुआ है उसमें आई वाज द ओनली प्लेयर दिल्ली प्लेयर हु गॉट 200 इन द फाइनल रणजी फाइनल्स सो इट इज बिग थिंग फॉर मी नो रियली बट आप खेलते भी ऐसे थे जैसे पेसर को कुछ देर खेल लिया देन कैप पहन के यू नो यू आई मीन बॉल फुटबॉल देखने लगे देन इट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर बस रहना है पिच में जाके हां बस ये एक थोड़ा सा ऑलवेज माय एक मेरा खेलने का एक स्टाइल था कि आई हैव टू प्ले एट द विकेट बिकॉज माय फादर ऑलवेज टोल्ड मी एंड मैं उनसे जो सीखा उन्होंने मुझे यही बोला कि विकेट प्ले एट द विकेट रन्स विल कम वो एक मेरे माइंड में हमेशा उनकी बात रहती थी तो और उन दिनों में ऐसा कोई फास्ट पेस पे क्रिकेट भी नहीं था जब हम लोग खेल रहे थे तो मेरा काम ये होता था कि मुझे स्टे करना है विकेट पे योर डैड वाज आल्सो अ ग्रेट क्रिकेटर He also played first class cricketer and he has done lot to Delhi cricketers or Delhi ke liye Delhi cricket ke liye bahut kuch kiya matlab even main aapko ye bataun ki instance jo salwan tournament hota tha yahan par hamare na ek salwan school mein salwan tournament and that was a very big tournament on that day
उसमें जब हमारा पार्टिसिपेशन होता था दिल्ली जिमखाना क्रिकेट क्लब का, तो उन दिनों में ऑलमोस्ट हमारा टीम इतना स्ट्रांग होता था, फाइनल हमने खेलना ही होता था। और जो सलवान का टीम बनता था, सलवान का, वो सलवान के नाम से खेलते, वो बहुत बड़ा टीम था, वो उसमें सुरेश लूथरा, विनय लांबा, अशोक गंडोत्रा और ऑल बिग नेम्स दे आर प्लेइंग विद दैट क्लब। तो वो टसल होता था, तो उनके उनका क्या सिस्टम था कि सुबह 7 बजे से 10 बजे तक पहला सेशन होता था, देन दे स्टार्टेड अगेन 3 o'clock to 6:30। ये दो टाइमिंग था, तो जो बीच का टाइम था ना वो रेस्ट टाइम था उन दिनों में जो क्रिकेट होती थी। तो वो रेस्ट टाइम पे ऑलमोस्ट सारा क्रिकेट टीम जो हमारे घर पे आता था, और फादर वो हमारा ड्राइंग रूम था उसमें सारे क्रिकेटर लेटते थे, आराम करते थे, क्योंकि नियर था हमारे घर काफी। तो उसमें मेरे मदर ने, आप समझो ये, कि 100 150 चपाती बनाते थे उनके लिए, क्योंकि प्लेयर्स को भूख लगता था बहुत, और वो लंच यही होता था। तो उस टाइप का एक एक पैशन था फादर के दिमाग में, और उन्होंने उस टाइप का क्रिकेट, या बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स आके क्लब से खेले, और हमारे घर में रुके, 4 4 5 5 दिन रुके, तो देन दे प्ले फॉर द क्लब। और इस टाइप का एक जुनून था क्रिकेट में। तो अभी ठीक है, अभी क्रिकेट आईपीएल है, सब कुछ है, पैसा भी इन्वॉल्व है। उन दिनों पैसा नहीं होता था, उन दिनों पैसा लगाया जाता था अपने पास, उस पैशन को Absolutely. जिंदा। And your dad, दिलबाग सिंह, नाम से ही पता लगता था, दिलबाग सिंह, यू नो, दिल कितना बड़ा है, यू नो, आई मीन, ही हैड अ बिग बिग हार्ट, एंड फॉर दोज हु आर वाचिंग, ही इज द वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ जिमखाना क्लब ऑफ यस दिल्ली, यस एंड पीपल, इट्स सोर्ट ऑफ एन एलीट क्लब दे कॉल इट, बट इट वाज बंटू सिंह सर्स फादर हु वाज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ द क्लब। सर, वो दिल्ली जिमखाना क्लब कभी DDCL एक क्रिकेट टीम क्यों नहीं बना? I mean, they must be having their club club teams and all that. Cricket team. Club teams. Nahin, we are playing DDCA cricket league. Till now, we are very active. Our coaching session is on. Yes, yes, we are. Our Delhi Gymkhana cricket club is still live, and we have a coaching center at Talcottla cricket ground since 1959. Dad ke dinon se wo abhi tak abhi hamara center chal raha hai, and now. अभी जो मेरे से हेल्प होता है वो मैं क्लब के लिए करता हूँ। आई एम डूइंग द कोचिंग एज वेल देयर। तो अभी बच्चे खेलते हैं हमारी क्लब में। मेरा मिस्टेक हो गया, क्योंकि बहुत दिन से, आई एम नॉट ट्राइंग टू कवर अप, बट बहुत दिन से अभी याद आया कि जब हैंडआउट आता था दिल्ली जिमखाना, तब याद आया, बिकॉज वी नेवर कुड एसोसिएट दिल्ली जिमखाना प्लेइंग क्रिकेट मैचेस, बिकॉज क्लब में तो कोई फैसिलिटी नहीं था। तो दैट वाज अ मिस्टेक आई डिड, बट हमारे में ताकत है, जो मेरे फादर ने किया, और अभी मेरा भी वही एम है कि जब तक हम लोग, हमारे में ताकत है, हम अपना जो भी हमने जो सीखा है, जो वट एवर आई हैव गॉट फ्रॉम द क्रिकेट, एंड ऑनेस्टली आई टेल यू दैट आई हैव एवरीथिंग आई हैव गॉट फ्रॉम द क्रिकेट, जॉब, मेरा सब कुछ, मेरा नेम फेम, और जो मुझे आज 100 लोग जानते हैं वो सिर्फ ड्यू टू क्रिकेट है। एंड दैट्स व्हाई मेरा अभी भी दिल है कि मैं उसी क्रिकेट को उन बच्चों को शेयर करूं, और उन बच्चों को अपना एक्सपीरियंसेस और जो बेस्ट आई कैन ऑफर देम। तो स्टिल आई एम डूइंग दैट, एंड दैट्स माय पैशन, और अभी यही जिंदा रखने के लिए अपने आप को, क्रिकेट में लाइव है हम। तो अभी जैसे 1 1.5 महीना अभी हम बिल्कुल आउट ऑफ टच है क्रिकेट में, क्योंकि सब कुछ बंद है ड्यू टू COVID-19। तो बड़ा ऑड लगता है। अदरवाइज एट दिस टाइम आई एम ऑन द ग्राउंड डेली। बट वंस अ क्रिकेटर ऑलवेज अ क्रिकेटर। मुकेश अधिकारी जी पूछ रहे आपसे कि इफ यू कैन टेल अस अबाउट दुर्गा प्रसाद, यू नो हु प्लेस यू प्ले फॉर रेलवेज, उनके बारे में आप अगर कोई जानकारी दे सकते हैं। ही इज आल्सो वन ऑफ द very good all-rounder, genuine all-rounder, left-arm spinner, and a very good bat. He played Ranji from Railways. That's what Basu ji, आप जो बात कर रहे हैं, कई क्रिकेटर्स को चांस मिला ही नहीं, और वो they cannot go higher to play higher cricket. So Durga Prasad is one of the that type of cricketer. He's a I think you can a genuine all-rounder for that local cricket, and he's a match winner. Always he's a match winner. So, रणजी भी खेला, इसलिए शायद मुकेश जी पूछ रहे हैं। ललित सिंह पूछ रहे हैं कि व्हाट शुड बी द माइंडसेट
टू विन बिग मैचेस, क्या माइंडसेट होना चाहिए? क्योंकि आप तो बड़े मैच जीते हैं सर, दो दो रणजी ट्रॉफी फाइनल। मैच जीतने के लिए, बड़ा मैच के लिए देखिए, एक तो आपका सबसे इम्पोर्टेंट है, एक तो आपका टीम और जो कम्बिनेशन ऑफ टीम और जो टीम स्पिरिट है, जो एक दूसरे को बैकअप करते हैं ना, दैट वाज द थिंग आई थिंक जो हमारे टाइम पे जो हमारा दिल्ली टीम था, टू रिस्पेक्ट अवर सीनियर्स एंड द सीनियर्स गेट बैक टू अस विद अ लॉट ऑफ लव एंड अफेक्शन एंड दे पुश अस, कम ऑन, यू हैव टू डू इट, यू हैव टू डू इट। जैसे मदीप बाजी हमें कहते थे कि करना है आपको, कुछ भी नहीं है, नो हैंकी बैंकी, आई वॉन्ट 5 and 6 hours ऑन द ग्राउंड, बिल्कुल आपको क्रिकेट उसके बाद कुछ नहीं सोचना, उसके बाद यू गो एंड एंजॉय योर लाइफ। तो दैट टाइप ऑफ पेप टॉक्स और जो उनका एक हमारे को मिलता था, तो वो एक बड़े मैच जीतने के लिए एक वन ऑफ द रीजंस था। और आज की डेट में भी अगर बड़े मैच हमें जीतने हैं तो यू हैव टू बी डिटरमिन्ड एंड यू हैव टू बी सेल्फ कॉन्फिडेंट, एब्सोल्युटली आत्मविश्वास होना चाहिए। नहीं बट दैट फेज दिल्ली, दैट फेज इन लेट 80s अर्ली 90s, हर टीम रणजी ट्रॉफी टीम दिल्ली से, यू नो दे यूज्ड टू बी स्केयर्ड ऑफ दिल्ली टीम, क्योंकि इतना सारे स्टॉलवर्ट्स थे एक साथ, और वो यू नो आई मीन दे कैरीड सो मच ऑफ कॉन्फिडेंस। जैसे आप हो गए यू नो नॉकिंग एट द यू नो एट द हाईएस्ट लेवल कि इंडिया में हमको चांस दो, बट व्हेन यू प्लेड फॉर द स्टेट शेर की तरह खेलते थे। यही था कि क्योंकि हमारा टीम बहुत बड़ा था और इन दिल्ली टीम जो बैटिंग लाइनअप था उसमें आई वाज वेरी लकीएस्ट पर्सन टू गेट बैट एट नंबर 3, दैट इज वेरी वाइटल पोजीशन आई थिंक सो इन क्रिकेट, एंड आई गॉट दैट चांस। सो उस चांस में इतनी बड़ी टीम के अंदर उस पोजीशन पे खेलना, दैट मींस द टीम हैज लॉट ऑफ फेथ ऑन मी। तो वो फेथ को हमें बरकरार रखने के लिए, अपना रेपुटेशन बनाने के लिए, हम पूरा पूरा रात कई बार ऐसा होता था कि सोते नहीं थे। मेरे को भी एक इंस्टांस याद है, आई वाज प्लेइंग ईरानी ट्रॉफी एट वानखेड़े एंड दैट वाज जस्ट बिफोर अ पाकिस्तान टूर, वो टीम हमारा एक सिलेक्शन मैच था ईरानी ट्रॉफी टू गेट इंडियन टीम सेलेक्टेड, जिसमें अगर आपको ध्यान हो तो थोड़ा कपिल पाजी और उनका बड़े क्रिकेटर्स का थोड़ा चल रहा था कि शायद वो दे विल नॉट गो टू द उस टूर पे और कुछ इस तरीके का चल रहा था, कुछ काफी ना थोड़ा बोर्ड से बीसीसीआई से उनका थोड़ा चल रहा था। तो उस टूर पे मुझे याद है कि डे वन में आई वाज बैटिंग ऑन 59 ओवरनाइट एंड जीआर विश्वनाथ दैट ही इज द चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी ऑन दैट टाइम एंड ही केम टू अस आवर ड्रेसिंग इन द इवनिंग व्हेन एंड ऑफ द प्ले। तो उन्होंने आके मदीप आ से पूछा, मदीप मैं कम इन, तो उन्होंने कहा यस यस विशी भाई आइए आइए जरूर आइए। तो वो बस अंदर आए और उन्होंने जस्ट आई वाज सिटिंग ऑन द कॉर्नर ऑफ द जस्ट एंट्रेंस पे ही मेरा कॉर्नर पे सीट था वानखेड़े स्टेडियम में। तो उन्होंने जस्ट ही गेव मी दिस टाइप ऑफ यू मस्ट गेट 100 टुमारो, उनका इतना कहना था सर मैं आपको बता नहीं सकता, पूरी रात मैं सो नहीं पाया बिकॉज आई एम ऑन द वर्ज ऑफ सिलेक्शन, क्योंकि उससे पहले मेरा बंगाल के अगेंस्ट 179 था फाइनल में रांची फाइनल में एंड और पीछे थोड़ा स्कोर भी था। तो पूरा रात मतलब मेरा आंखों में निकल गया कि अगर इतना बड़ा, जिनको हम कमेंट्री में सुनते थे और देखते थे जो हमारे एक फेवरेट प्लेयर्स थे, वो आज मुझे कह रहे हैं कि अगर आप यू मस्ट गेट 100 टुमारो, समहाउ गॉड इज ग्रेट, आई स्कोर्ड 139 ऑन दैट गेम, अदर डे आई वेंट ऑन बैटिंग और बहुत कुछ हुआ। शाम को टीम अनाउंस होने से पहले, एक घंटा पहले वानखेड़े वो जो घरवाले पवेलियन में टीवी वाले आए, फोटो खींच लिया, पेपर्स वाले सब हर एंगल से फोटो, मेरा भास्कर पिल्ले का, बिकॉज वी टू आर वेरी वेरी क्लोज टू दैट, यस वेरी वेरी क्लोज। सो अभी हमें लग रहा था कि कोई तो आएगा, अभी हम दोनों इकट्ठे बैठे थे भास्कर में कि यार देखो किसका आएगा नाम, एनीवे जिसका भी आएगा गुड लक टू हिम। और बट सुबह जब हमने टीम पढ़ा, बैड लक फॉर अस, both of us not there and maybe shayad I think usme W Raman ko chance mil gaya tha being a left hander, W Raman got the chance, but you know uske baad aap log ruke nahi, you kept scoring, yes and sir ek cheez hai, number 1 mein jo jata hai one down, ji wo koi
ऐसा कोई पैदल नहीं आया. यू नो आई मीन यू हैव टू हैव लॉट ऑफ रेपुटेशन, लॉट ऑफ टेक्निक, लॉट ऑफ टेम्परमेंट गो आउट देयर एंड प्ले. नंबर वन वन डाउन इज सपोज टू बी द बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टीम. विराट कोहली अभी इंडिया के लिए खेल रहा है नंबर वन पे, तो आप भी नंबर वन पे खेलते थे और दैट्स व्हाई यू आर रियली स्पेशल इन सो मेनी वेज. That place, always we have to earn that place. That means the team has lot of faith on me. That's why. तो वो जो team का faith था तभी तो उन्होंने मुझे मधीपा जी ने number 3 पे choose किया, chance दिया मुझे. Because नया ball को correctly as a technically I'm sound. तो वो खेलने से तो वो जो एक strength मिलता था कि भाई मैं एक इतनी जबरदस्त position में हूँ. बैटिंग लाइनअप पे मनोज प्रभाकर भी है, अजय शर्मा भी है, भास्कर पिल्ले भी है, कीर्ति आजाद भी है, इतना लंबा बैटिंग लाइनअप है. ओपनर में भी रमन लंबा है, मनु नहीं आ रहा है, तो मतलब इट्स अ बिग थिंग. आई थिंक आप जैसे बोले बॉम्बे और दिल्ली, दोस टीम्स वर द मोस्ट सॉट आफ्टर टीम इन इंडिया इन दैट फेज. एंड वन ऑफ योर फॉर्मर कॉम्पिटिटर्स from Bombay cricket, Salil Onkala sir, he's also live. He said, good to see you, Bantu. Oh, Salil bhai ki to mujhe abhi tak yaad hai, jo unhone jo start kiya tha Wankhede mein, Irani Trophy mein. And he gave me a two balls on my ribs. So, wo blessing and disguise hua mere liye, ki wo mera aankhya khul gaya, sab kuch, blood circulation tez ho gaya. So, wo uske baad mein aur badhiya khela usme. That was the Salil bhai is a gem. Gem of a person or very quick. Very quick. He has got a lovely body, a strong था. मतलब लगता था कि कोई प्लेयर आ रहा है. हाँ जबरदस्त. देखो पर्सनालिटी बहुत थी सुनील भाई. गुड इवनिंग सुनील भाई, if you are watching me. But you know, एक अच्छा भी लगता है ना when you see quality fast bowling, quality batting. You know, a bowler comes charging in and the batsman shows the face of the bat to the bowler. एक अलग लेवल का कंपटीशन होता है. रणजी ट्रॉफी में दिल्ली का माहौल कैसा था? यू नो आई मीन हाउ यूज्ड टू बी, आई मीन हाउ इट वाज ड्यूरिंग ड्यूरिंग दैट टाइम द दिल्ली ड्रेसिंग रूम. बहुत कैजुअल था, सीरियस था. सीरियस जब सिचुएशन बाहर होता था, अंदर का क्या माहौल होता था? जोकिंग होता था लोग, बिकॉज़ एक एक खिलाड़ी है माने रोक के बाहर भी, कीर्ति आजाद सर हो या हमारा दिल्ली का टीम का जो एक तो बड़ा स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ था, एक बहुत अच्छे बड़े प्लेयर्स थे. सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था कि जो हमारा जो सीनियर्स लोग थे ना, उनका एक रिस्पेक्ट बहुत, दे हैव अर्नड अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट इन द दिल्ली टीम. तो वो रिस्पेक्ट और जो टाइम था कि जो हम जितने भी जूनियर्स थे, जो यंगस्टर्स थे, वो हम बहुत रिस्पेक्ट करते थे. ये हालत था कि हम जब हमारा लंच होता था, ड्यूरिंग लंच में कोई प्लेट पहले उठाने नहीं जाता था जब तक कोई सीनियर स्टार्ट नहीं कर देता था. दैट टाइप ऑफ डिसिप्लिन था. और दूसरा सीरियस तब होते थे जब हमारे ग्राउंड में पिटाई हो रही होती, तो वी आर वेरी सीरियस एंड उसमें हमारे को डांट भी बहुत पड़ता था. एंड उसका एक इफेक्ट था, ऐसा नहीं कि खाली बोल दिया और सुन लिया और इधर कर दिया, नहीं, उसका एक बहुत बड़ा इफेक्ट था. अगर उन्होंने किसी पर्टिकुलर प्लेयर को ये बोल दिया कि नाउ आई वॉन्ट दिस फ्रॉम अनदर टू आवर्स नेक्स्ट सेशन, तो वो चाहिए था उनको. उनका गेम का रीडिंग बहुत स्ट्रॉन्ग था, तो वो डिसिप्लिन बहुत था. और दूसरा उसके बाद जो हम यंगस्टर्स थे, हम जोक वोक बहुत करते थे. जैसे ही प्लेयर्स एक दो बाहर हुए, सीनियर थोड़ा इधर उधर गए, और हमारा ड्रेसिंग रूम में माहौल बड़ा जबरदस्त होता था, जिसमें मन्नी भी था. मन्नी इज वन ऑफ द वेरी गुड जॉली जॉली फेलो. बहुत मजाक करता था मन्नी भी हमारे साथ. मन्नी था तो मतलब एक हेल्दी एटमोसफियर. तो उसमें जो एक एक दूसरे का रिस्पेक्ट एंड लव था ना, वो एक टीम को हमारा ना बहुत स्पिरिटेड टीम रखता था. ग्राउंड में भी जो जो हमारा, और मैं कीर्ति भाई की यहाँ कहना चाहता हूँ, तो देखो कीर्ति भाई से सारे डरते थे. एवरी यंगस्टर्स आर फियर बिकॉज ही इज वेरी, देखो उस मामले में बड़ा स्ट्रांग था कीर्ति ना.
कीर्ति भाई जो थे ना बड़ा मतलब डिसिप्लिन थे, यंगस्टर के ऊपर बहुत कंट्रोल था उनका, वो कुछ भी कह दे तो हिल नहीं सकता था कोई भी। तो वो एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी होता चला गया हमारे लोगों के लिए, कि वो डर भी हमारे को एक क्रिकेट सिखा गया और खिला गया हमारे को उस लेवल पे। तो दीज आर द रीजंस जो हमारा एक टीम हमेशा एक स्ट्रॉन्ग टीम बना रहा काफी अरसे तक दिल्ली का। और दिल्ली 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 वर वेरी गुड एट स्लेजिंग आल्सो, दैट्स व्हाट वी यूज्ड टू हियर सिटिंग इन कलकत्ता की भाई अच्छा बैटिंग करोगे तो दिल्ली के सामने खेल के दिखाओ, बीट मनोज अरे को हो कोई भी हो छोड़ेगा नहीं तुमको, आके अरे नहीं इतना छोड़ेगा। सोरेंगे। अरे दादा मैं आपको एक वासु भाई एक इंस्टेंस बताता हूँ दिल्ली का। ईडन गार्डन पे हमारा मैच हो रहा था एंड प्रणव रॉय वाज बैटिंग, आई थिंक दैट वाज इफ आई एम राइट क्वार्टर फाइनल दिल्ली बंगाल मैच था, और 50,000 क्राउड वाज वाचिंग दैट मैच, वाओ और प्रणव दादा प्रणव रॉय बैटिंग करने आए, और रमन लामा हमारा आपको पता ही है जबरदस्त, इट इज नॉट ए स्लेजिंग, बस कुछ ना कुछ छोड़ा छेड़ा छाड़ी कर रहे थे उनसे, मनोज चुराकर बॉल कर रहा था तो वो बीट हो जाए। अरे दादा खेलो तो सही, खेलते तो आप वो नहीं हो, बॉल छोड़े जा रहे हो पता ही नहीं लग रहा आपको कहाँ आ रहा है, ऐसे थोड़ा सा पिन पॉइंट करते रहे तो सडनली क्या हुआ, रमन लांबा के दिमाग में कुछ आया, उसने कीर्ति से कुछ बोल के एंड ही केम केम टू एट द सिली पॉइंट, सिली पॉइंट पोजिशन अगेंस्ट बॉलिंग ऑफ मनोज चुराकर, एंड क्या हुआ मनोज बॉल बॉल रन अप पे चला, और चलने के बाद ही आधा चला तो एकदम प्रणव राय हट गया और अंपायर की तरफ दौड़ गए, लेग अंपायर की तरफ, एंड बोला दादा फिर गोली देता है, दादा फिर गोली देता है। वो रमन का कंप्लेन करने लगे कि ये मुझे गाली दे। रमन कहता मैंने तो, बट दैट वाज द एक वेरी बहुत अच्छा एक क्रिकेट का वो पार्ट ऑफ द एक टाइम था जो मतलब इस टाइप का हमारे में होता था। बाद में भी कटे और सडन नेक्स्ट ओवर में वो पेशेंस लूज किया, एक टैक्टिस था, दैट वाज ए वन ऑफ द टैक्टिस टू डिस्टर्ब द बैट्समैन कंसंट्रेशन, और वो वाकई वो कंसंट्रेशन उसमें लूज कर गया और नेक्स्ट ओवर ही बोल्ड मनोज वाकर ने उनको बोल्ड मार दिया। और बाद में शाम को इवनिंग में प्रणव दादा हमारे रूम में आया और रमन नामा को मजाक में पकड़ लिया, कहता यार तू देखा तूने मेरे को आउट करवा दिया, ये वो। तो बहुत हंसे हम लोग कि दादा तुम हमारी बातों में क्यों आए। दैट वाज अ ग्रेट मतलब एक बहुत यादें हैं जो जुड़ी हुई है कि वो हम इस तरीके से एक इट वाज अ यू कैन कॉल स्लेजिंग बट इन ए वेरी गुड वे, हेल्दी वे में हम डिस्ट्रैक्ट करते थे प्लेयर्स को। संभव सनन बोल रहे हैं, यू नो मी एंड बंटू भाई वेर इन रणजी कैंप्स फॉर मेनी इयर्स, ऑलवेज अ केयरफुल पर्सन, आपको ऑलवेज संभव गुड इवनिंग, और ये ही इज अ गुड लेग स्पिनर, ही इज अ वेरी गुड क्रिकेटर ओवरऑल आई कैन से, और बेचारे को चांस नहीं मिला। लॉट ऑफ प्लेयर्स देखिए अभी जैसे आपने बोला कि हम रांची खेले और हम ऊपर हाईएस्ट लेवल पे इंडिया नहीं खेल सके, एट द सेम टाइम मैं ये सोचता हूँ वी आर ऑल्सो लकी कि हम रांची खेले और हमारे से बहुत अच्छे और भी क्रिकेटर थे दोज हु कैन नॉट प्ले एट द रांची लेवल। तो ये एक चलता रहेगा गेम में और संभव इज अ गुड क्रिकेटर आई रिमेम्बर। यही यही चीज मैं सबको बोलता हूँ, कभी भी कोई भी यंगस्टर मिलता है एस्पायरिंग क्रिकेटर्स, कि आप जैसे आपका एक एकेडमी का बच्चा क्रिश शर्मा वो जानना चाहता है कि आप ज्यादा ज्यादा यू नो विकेट या रन्स बनाना है, प्रेशर मत लीजिए, एंजॉय कीजिए प्रोसेस को, एंजॉय कीजिए, जाइए, हमें देखना है हमें अच्छा खेलना है, यू हैव टू गिव अ बेस्ट, यू हैव टू यू नो पुट द बेस्ट फुट फॉरवर्ड, ये सोच होना चाहिए ये अपने आपको, या यू नो आई मीन इंस्टेड ऑफ पुटिंग प्रेशर ऑन आवरसेल्व्स कि हमें ये करना है, घर में डांटेगा कोच डांटेगा ये करेगा, यू शुड नॉट गेट इनटू ऑल दैट डायनामिक्स, यू शुड ऑलवेज फोकस ऑन डूइंग वेल एंड एंड इट्स इट्स यू हैव टू टॉक टू योरसेल्फ, दैट इज इंपॉर्टेंट। आप लोग जैसे खेलते थे, वेरी ट्रू वेरी ट्रू, बिल्कुल। अभी देखिए मैं इसमें वासु जी थोड़ा सा यहाँ बताना चाहूंगा कि थोड़ा सा आजकल जो क्रिकेट चल रहा है, सॉरी टू से दैट डजंट डोंट माइंड एनी एनी ऑफ द अगर लिसनर्स देख रहे हैं या वॉचर्स देख रहे हैं इसको शो को, थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट एंड कंसर्न ऑफ पेरेंट्स इज मोर नाउ दीज डेज। हमारे टाइम पे क्या होता था, तो वो दैट दैट क्रिएट्स ए प्रेशर ऑन द प्लेयर।
कि हमारे टाइम पे क्या होता था, हम लोग खेलते थे तो देखिए, जबकि मेरे फादर क्रिकेटर थे, ही नेवर केम टू सी माई मैचेस ऑन द ग्राउंड, और उन्होंने सिर्फ ये कहा गो एंड प्ले, आपको अगर अपना टीम में रहना है, आपको अपना जगह बनाना है, तो यू हैव टू परफॉर्म अकॉर्डिंग टू टीम, यू हैव टू अपने आप को उसी तरीके से आपको ढालना है। और हमने कभी कंप्लेंट नहीं किया आपके घर में, इवन अपने फादर को या मदर को, जी आज मुझे वो प्लेयर ने ये बोल दिया, या आज मुझे वो कोचिज ने, हमारे टाइम पे वो कोचिज नहीं लेकिन मैनेजर्स होते थे, जैसे विले लांबा सर मैनेजर होते थे, प्रेम भाटिया जी मैनेजर होते थे, तो दे आर ऑल्सो क्रिकेटर्स, वेरी बिग क्रिकेटर्स, दे नो हाउ टू हैंडल ए प्लेयर। तो वो जो हमें मिलता था ना, तो हम कभी कंप्लेन नहीं करते, वो कोच एंड प्लेयर का जो भी बात हुआ, दैट इज बिटवीन विद इन आर सेल्स, हम उस पर फिर कहीं पे जाके घर पे नहीं करते थे। पर अभी जो आज का ट्रेंड है, अभी मैं जैसे बच्चे ने पूछा कि क्या होना चाहिए, वो प्रेशर जो है आजकल पेरेंट्स की तरफ से बहुत ज्यादा बनता है। बच्चा ये सोचता है कि फादर मदर मेरे लिए इतना वो कर रहे हैं, वो मेरा पेन लेते हैं, मुझे छोड़ने जाते हैं, मुझे लेने आते हैं, एंड और मेरा जाके स्कोर नहीं होगा, तो वो समाओ एक ऑटोमेटिक एक प्रेशर बिल्डअप हो जाता है बच्चे के लिए। उसमें भी कहीं ना कहीं मैं एज ए क्रिकेटर कहूंगा कि वो बच्चे के ऊपर प्रेशर बन जाता है और वो उसका परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम आता है। Absolutely. तो मेरा, मेरा, मेरा आज इस शो के माध्यम से मेरा एक ये भी एक मैसेज मैं देना चाहता हूँ और टू ऑल पेरेंट्स, ऑल क्रिकेटर्स, कि डोंट गेट मोर इन्वॉल्व विद द चाइल्ड, जस्ट लेट हिम प्ले फ्रीली। जैसे वो अंग्रेज लोग बच्चे को, 2 साल के बच्चे को स्विमिंग पूल में डाल देते हैं ना और छोड़ देते हैं अपने आप तैरेगा, लेट हिम फ्लाई। तो मेरा एक मैसेज है कि जस्ट आप इतना करिए कि बच्चे को कोचिंग सेशंस में भेज दीजिए, जाए आए, बस उनका ख्याल रखिए, जरूर रखिए बच्चे का ख्याल, लेकिन बहुत ज्यादा डीपली इन्वॉल्व होने से वो प्रेशर पेरेंट्स के ऊपर भी आता है एंड कहीं ना कहीं बच्चे के ऊपर आता है, एंड इट बिकम एब्सोल्युटली, एंड दिस इज नॉट अ रैट रेस कि हमने डाल दिया और एवरीबॉडी हैज टू प्ले फॉर द रणजी ट्रॉफी और इंडियन टीम। हाँ, अभी तो आईपीएल का क्रेज ज्यादा है, बट ये है कि सबसे पहले हमारा स्पोर्ट्स ये कहता है कि आपको एक अच्छा इंसान बनना है, स्पोर्ट्स हमें ये सिखाता है, बाय हार्ट यू आर वेरी वेरी गुड मैन फर्स्ट। तो वो जो एक अच्छा इंसान तो बनेगा, अभी पेरेंट्स भी आते हैं कहीं, अगर वो क्रिकेटर एक लेवल पे बन सकता है, अच्छा स्कूल लेवल पे खेलेगा, कॉलेज लेवल पे खेलेगा, यूनिवर्सिटी, बट सभी रणजी ट्रॉफी सभी इंडियन टीम के लिए नहीं खेल सकते, बट ये आई एम श्योर 100% श्योर कि वो एक अच्छा इंसान बनेगा और आगे बहुत लोगों को हेल्प करेगा अपनी, चाहे वो नौकरी में करे, वो कहीं भी करे, अपनी इंस्टीट्यूशन में हेल्प आउट करेगा लोगों को, बिकॉज बाय हार्ट ही इज वेरी गुड स्पोर्ट्समैन, ऑलवेज बाय हार्ट वेरी गुड। एब्सोल्युटली, दैट्स व्हाट यू नो, आई मीन क्रिकेट टीचेस यू, यू जस्ट दैट फोकस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू आर नॉट डाइग्रेसिंग टू एनीथिंग which is you're not supposed to do in your life, you know, I mean, play, keep playing, and there is nothing more powerful than playing a sport. Saleh Langkola sir, of course, a great example. He's writing that Bantu troubled us a lot, and we never used to get him out. Fantastic player. We as a team had to really work hard for his wicket. I never got him out. This is called honesty. This is, you know, this is what what cricket teaches you, to be honest, to be true to yourself, which is very important. At the same time, जैसा मैंने आपको बताया कि जब when we are facing Mumbai, तो पूरा रात हमें सोचना पड़ता था, जो बॉलर्स होते थे राजू कुलकर्णी, सलील लंकोला, अबे एबी कुरुवेला, तो उन बॉलर्स को फेस करने के लिए आई थिंक दैट वॉज ए ग्रेट अटैक, इंडियन अटैक आई कैन से, अभी खेले इंडिया के लिए भी खेले, बट दैट वॉज ए ग्रेट अटैक। तो उस अटैक को फेस करने के लिए सुनील भाई को खेलना है सुबह, तो हमें एक प्लान, वी हैव टू कम विद अ प्लान अपने माइंड में। उस टाइम पे हम अपने आप ही अपने आप को प्लान करते थे कि मुझे सुनील अंकोला को कैसे खेलना है, मुझे राजू कुलकर्णी भाई को कैसे खेलना है, क्योंकि राजू कुलकर्णी इज वेरी गुड इन स्विंगर, वो बहुत शार्प इन स्विंगर करते थे। तो एबी वॉज ए गुड, उसका हाइट अच्छा था, उसका बॉल में बाउंस बहुत था। yes, तो ये yes. सारी चीजें हमने अपने सीनियर प्लेयर्स को देख के सीखी और उनको फिर टैकल किया उन प्लेयर्स को। तो सर, बट एक हमारे लिए ये जो ट्रायो आपने बोला, तीन नाम लिया, आई डोंट थिंक डोमेस्टिक क्रिकेट में इतना स्ट्रॉन्ग पेस अटैक
देखने को मिलता है दीज डेज। डेफिनेटली डेफिनेटली वो बहुत बड़ा अटैक था ये, और जैसे हम दिल्ली का भी एक बार सेम अटैक जैसे दिल्ली का था, मनोज प्रभाकर, अतुल वासन, संजीव शर्मा एक टाइम पे दे आर ऑल 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 प्लेड फॉर इंडिया, पर सेम अटैक उनका भी जबरदस्त था। बट मैं आई जस्ट वांट टू मेंशन सुनील वोल्सन, ही इज द वन लेफ्ट हैंडर बॉलर, ही नेवर प्ले फॉर इंडिया, बट जो उनका जो टेरर था, जैसे सलील भाई का टेरर था ना, जो टेरर उनका यूनिवर्सिटी क्रिकेट में था यहाँ पर दिल्ली में, ऐसा टेरर मैंने नहीं देखा। हमने उनको उस टाइम फेस नहीं किया, सीनियर हमारे से सीनियर थे, लेकिन जो वॉली भैया का जो टेरर था ना, और जो उनका लेफ्ट आर्म बॉलर, जो जैसे मैंने आपको बोला सागर मैन, सागर शर्मा, तो इस टाइप के बहुत बॉलर्स थे जो इजिली प्रेजेंट डे में दे आर इजिली वॉकिंग इन टू द इंडियन टीम, इजिली वॉकिंग। So true. I mean, we always had abundance of talent. We have plenty of talent. अभी हम बोल रहे हैं बहुत सारे talent है, बहुत सारे Indian team बन सकता है, but we always had that, which is we are so blessed that we saw so many of them in and this generation of cricketers. And that's why cricket is such a popular game in this country. Gautam Wadera ji, जो दिल्ली के player रह चुके हैं, very very reputed and a wonderful human being again. And he's saying it's really nice to hear Bantu Paji. He was very helpful and friendly to all the youngsters in the start Delhi Ranji Trophy dressing room. Thanks, Gautam. And ab Gautam ki baat ki hai. He's such a talented player, such a God gifted player. I can tell you. But Delhi ke liye khela bhi, lekin long nahi, zyada nahi lamba khel saka. But he's a talented player. So wo talent kahin na kahin kya hota tha ki jab itna bada team hota tha, to talent mein कहीं ना कहीं थोड़ा सेटबैक भी हो जाता था, उनको चांसेस ज्यादा नहीं मिल पाते। तो ये भी एक वन ऑफ द रीजन था कि कुछ प्लेयर्स जो बहुत अच्छे टैलेंटेड प्लेयर्स थे वो ज्यादा देर तक क्रिकेट नहीं खेल सके अपनी स्टेट के लिए और आगे के लिए। गौतम वडेरा इज वन ऑफ दैट, सो वेरी फाइन प्लेयर। एंड सलील अंकुला सर इज सेइंग ऑलवेज वेरी कॉम्पिटिटिव प्लेइंग अगेंस्ट दिल्ली, एंजॉयड एवरी बिट ऑफ इट, ऑनर टू प्ले अगेंस्ट यू गाइस। Thanks, Salil. Thanks. I'm honored that you have told so much good about us. So, aapka ek academy ka student Udit Malik, he's asking what are the off-season expectation from a player? Off-season always now take this time. This is now after another 15 days rainy season starts. तो ऑफ सीजन जो भी प्लेयर ऑफ सीजन में ट्रेनिंग कर लेगा अपने आप को, हम वो एक बोलते थे सर्दी गर्मी बरसात, इसने ये तीन मौसम में अगर अपना ट्रेनिंग और अपना एक फोकस अपने गेम की तरफ ध्यान रख रहा, वेदर इज ए क्रिकेटर, वेदर इज ए फुटबॉलर और एनी 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 स्पोर्ट्स, तो वो कभी जिंदगी में मार नहीं खाएगा और उसका जो टैलेंट है वो डेफिनेटली उभर के आएगा। And that Udit Malik, you are talking about, you know, he's a small boy, small kid. I must tell you about that. He came all the way from Faridabad to Talcottara Cricket Ground. So you can, and he and his sister is also playing, Kashish Malik. So I'm telling you that these boys, ye jo bacche hain, agar is type ka unme जुनून है और इस टाइप का वो है, तो देखो 30% तो दे हैव ऑलरेडी दे आर अहेड ऑफ देयर एज ग्रुप बिकॉज दैट कमिटमेंट ऑल द वे फ्रॉम फरीदाबाद, वन एंड अ हाफ आवर दे आर डूइंग जर्नी ईच वे, यस यस यस, टू एंड फ्रो, दैट मीन्स 3 hours, दे आर गिविंग 3 hours टू द जर्नी एंड 3 hours एट द कोचिंग नेट्स, वो ये बहुत बड़ा बात है। तो 30% तो उन्होंने वैसे ही जीत लिया, वो कमिटमेंट जो उन्होंने शो किया, एंड क्रिकेटर इन क्रिकेट एट हायर लेवल, तो वो कमिटमेंट चाहिए आपको, क्योंकि जो कि किसी भी रूप में सिखाया नहीं जा सकता, दैट कम्स फ्रॉम इनसाइड, आपके अंदर से ही आएगा वो कमिटमेंट, जब आप फोकस्ड हो गए, जब आप वेरी सीरियस अबाउट दैट गेम हो गए, तो ये चीजें तो बिल्कुल मानेंगे। तो ऑफ सीजन में आप अपना ट्रेन करिए, आप अपना फोकस रहिए उस गेम को, एटलीस्ट यू गिव वन एंड अ हाफ आवर योर स्पोर्ट्स थॉट्स, क्या हुआ मेरा पीछे का बैग, सोचो क्या मैंने किया पीछे, मैंने कैसे मैचेस खेले,
और मेरा ट्रेनिंग शेड्यूल ये रहना चाहिए, मैं अपने आप को फिट रखूँ, नॉकिंग करूँ, मैं टेक्निकली जो कुछ पॉइंट्स हैं जो कोचेज ने बताए होते हैं उनको फ्लॉज को ठीक करूँ, दिस इज द राइट टाइम। अभी क्या होता है कि कुछ क्रिकेटर हाँ बड़ा इजी लेते हैं कि ये अभी तो रेनी सीजन अभी क्या जाना है, बट जो बच्चे ग्राउंड पे जाके बारिश में शॉर्ट्स पहन के और चलिए दौड़िए, बारिश हो रही है दबा के और आप यू रन योरसेल्फ, वो जो एक मजा आता है ना उनको देखने में और जो कमिटमेंट बच्चों का है, दैट टेक्स हिम एट हायर लेवल। एब्सोल्युटली सो ट्रू। बट सर और एक जो चीज है जो प्यार है, मोहब्बत है क्रिकेट से, प्यार आपको आगे तक भी, यू नो वंस यू स्टॉप बीइंग अ क्रिकेटर लाइक बंटू सिंह सर, you'll still be serving the game in some way or the other, either as a coach, either as a manager, and you served as a selector also after you retired from first class cricket. And you've seen the under-19 cricketers, you've seen the senior cricketers. So, abhi Delhi cricket, how do you see Delhi cricket? How do you perceive Delhi cricket? माई व्यू दैट देखिए टैलेंट बहुत है, दिल्ली के पास बहुत टैलेंट है एंड लॉट ऑफ वेरी गुड प्लेयर्स आर कमिंग अप, बट मेन चीज जो मेरा एक मानना है एज ए क्रिकेटर कि वी हैव टू बी डिसिप्लिन समवेयर, वी हैव टू बी डिसिप्लिन व्हेन वी आर रिप्रेजेंटिंग स्टेट दिल्ली। जब हम लोग मैं ये नहीं कहना चाहूंगा हम लोग जो भी करते थे ठीक करते थे, सब कभी हम भी गलतियां करते थे, बट व्हेन वी आर प्लेइंग फॉर दिल्ली जो प्राउड जो हमारे दिल के अंदर वो जो एक होता था ना जज्बा कि वी आर प्लेइंग फॉर दिल्ली, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि समवेयर मिसिंग, क्योंकि थोड़ा सा इजी हो गया, यंगस्टर्स को इजी मिलने लगा है। आई डोंट नो व्हाट इज द रीजंस, या उनके कोचेस में कोई थोड़ा इस तरीके का सिखाते हैं, या प्लेयर्स, नॉट कोचेस का मैं कह सकता हूँ, प्लेयर्स को बोल सकते हैं कि प्लेयर्स थोड़ा इजी लेने लगता है कि यस मोनू मुझे तो खेलना ही खेलना है, मैंने तो खेलना ही, तो वो जो एक माइंड में है ना कि मुझे खेलना है, वो आपकी परफॉर्मेंस पे डेफिनेटली इफेक्ट करता है। मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ, आफ्टर स्कोरिंग बिग हंड्रेड्स अगेंस्ट बिग टीम्स और अच्छे रन्स भी करने वाले, बट व्हेन मैं जब भी मैच खेलने के लिए जाता था तो मेरे दिमाग में एक हल्का सा दिमाग में कहीं ना कहीं शिकन होता था, इफ आई हैव मैंने परफॉर्म नहीं किया तो मे बी आई विल नॉट प्ले नेक्स्ट मैच, तो वो डर जो एक डर था दिल में, वो डर भी आपकी परफॉर्मेंस को अच्छा निकालता है। तो मैंने अपने और अपने साथी प्लेयर्स को भी देखा, तो देखिए आप कभी एग्जाम्स देने जाते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर होना चाहिए कि क्या क्वेश्चन आ जाएगा, क्या होगा, तो वो डर भी आपको एक आपका एक सेल्फ अंदर से जो एक अच्छा चीज है वो निकाल के आपको रिजल्ट्स दे देता है, तो वो आजकल कहीं ना कहीं मिसिंग है। और बाकी दिल्ली क्रिकेट के बारे में मैं यही कहना चाहूंगा कि टैलेंटेड प्लेयर है, उनको हमें वी हैव टू प्रिजर्व द टैलेंट। और अभी एक बहुत अच्छा बात है, हमारे जो प्रेसिडेंट साहब आए हैं वेरी यंग एंड डायनामिक, श्री रोहन जेटली जी, ही इज आई थिंक विद न्यू आइडियाज एंड न्यू एनर्जी, अभी तक जितना भी हमने उनसे डील किया है ही इज वेरी पॉजिटिव और वो कुछ करना चाहते हैं। ऑफ कोर्स जैसे अरुण जेटली जी का एक सपना था दिल्ली का एक स्टेडियम बनाना और उन्होंने वो स्टेडियम बना दिया और वो क्रिकेट के साथ इन टच, मेरे बहुत अफेक्शन था उनका क्रिकेट के, तो अभी मुझे लगता है कि वही सेम चीज रोहन जी में हमें देखने को मिल रहा है और पॉजिटिव थिंकिंग में है, अगर उनके मन में है, अगर वो चाहे तो दिल्ली क्रिकेट बैक ऑन ट्रेल, आई एम 100% श्योर विद इन टू ईयर्स दिल्ली क्रिकेट वापस वही अपना नेम एंड फेम मुकाम हासिल कर लेगी जो हमारा पहले पुराना था। और क्रिकेटर्स अभी भी देर है, ऋषभ पंत, विराट कोहली, यू नेम इट, शिखर धवन, वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर, आशीष नेहरा, अभी लिस्ट देखना पड़ेगा। अभी देखिए इंडिविजुअल प्लेयर्स वो इतने जबरदस्त इंडिविजुअल प्लेयर्स हैं कि जो अभी भी दिल्ली के लिए, देखिए दिल्ली का नाम उन्होंने, दिल्ली फ्लैग हमेशा उन्होंने हाई रखा क्योंकि इंडिविजुअल दे आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर्स, टैलेंट हमारे पास है, लेकिन तो कैसे टैलेंट को हमें उसको फीड करना है टीम से अंदर और कैसे उनको खिलाना है, दैट वी हैव टू समवेयर वी हैव टू थिंक अबाउट इट, थोड़ा सा हमें उसमें बैठ के एक सोचने की जरूरत है कि इस टैलेंट को या इस परफॉर्मर को
एक टैलेंट को कैसे प्रिजर्व करके और हमें उसको टीम्स में डालना है, दैट इज इम्पोर्टेंट, दैट इज और इम्पोर्टेंट। आप जैसे यू नो पर्सन लाइक बंटू सिंह सर इज देयर एट द हेल्म ऑफ आइडेंटिफाइंग टैलेंट्स इन दिल्ली क्रिकेट, आई एम श्योर द फ्यूचर इज गोइंग टू बी एज ब्राइट एज इट वाज अर्लियर। हमें जय जी कपूर, शी इज आस्किंग, आई वुड लाइक टू आस्क वन टिप और सजेशन, हाउ शुड यंग चाइल्ड प्रिपेयर फॉर द ब्राइट फ्यूचर इन क्रिकेट। सबका यही है कि प्रेशर मत लीजिए, एंजॉय कीजिए, और पढ़ाई पढ़ाई तो एकदम मस्ट है, इज इट सर? स्टडीज बिल्कुल मस्त है, और मैं बिल्कुल कहूंगा देखिए जो पढ़ नहीं सकता वो खेल भी नहीं सकता, बहुत रेयर इंस्टांस है जो बहुत, देखिए इवन हर प्लेयर पढ़ना बहुत जरूरी है। देखिए पढ़ना क्यों जरूरी है, पढ़ना इसलिए जरूरी है कि अगर वो पढ़ने में डिसिप्लिन है तो वो खेलने में ऑटोमेटिक डिसिप्लिन हो जाएगा। तो हम तो अभी भी आज भी बच्चों को यही बोलने पड़ते हैं, एट द सेम टाइम यू हैव टू बैलेंस योर स्टडीज एंड योर स्पोर्ट्स, डेफिनेटली एट वन पॉइंट जाके कहीं ना कहीं आपको, जब आप समझते हो कि मेरा स्पोर्ट्स में थोड़ा कैरियर बनने जा रहा है, तो वहां आप एक्स्ट्रा एफर्ट और एक्स्ट्रा आप अपना एनर्जी वहां लगा सकते हैं, तो पढ़ना बहुत Absolutely. इम्पोर्टेंट। So true, so true. And sir, you being there, as I said, it's really going to help the system because you've come into the system with loads of runs. बहुत सारे रन बनाए आपने, बहुत सारे and big matches में, वो I want to repeat that point also, big matches में and I'm extremely sorry कि मैं मेरा दिमाग से थोड़ा देर के लिए जिम खाना, दिल्ली क्रिकेट डीडीसी लीग में कितने सारे परफॉर्मेंसेस होते हैं, दिल्ली जिम खाना से कनेक्ट नहीं कर पाया, बट यू आर रनिंग एन एकेडमी एंड आई एम श्योर यू आर गोइंग टू गेट लॉट ऑफ टैलेंट, यू आर एट द हार्ट ऑफ दिल्ली हेल्पिंग हेल्पिंग द गेम एंड इट वॉज रियली प्लेजर चैटिंग विथ यू एंड थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग ऑन एसजी टीवी बंटू सर, वाज quite an enlightening experience and so many people joined in, gave their suggestions, their opinion, and cricket is what it is because of it generates so much of opinion. We love the sport and thanks a lot sir for coming on SGTV. Honored, honored sir, honored Basu sir, जो आपने याद किया आज, पुरानी यादें ताजा करा दी, lovely, very lovely, बहुत बहुत Thank you, मजा sir. आया आपके साथ What बात a करके। pleasure, pleasure sir, जी, pleasure सही है, pleasure सर, same same here, Thank you sir. thank you. Thank you.